हाँ जी, हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। और मैंने तुम्हें होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था, मेरे को याद है। क्वेश्चन में तुम्हें भी कुछ पार्ट देने थे बट मैं नहीं दे पाया था, बट आई एम श्योर तुमने सारे पार्ट से प्रैक्टिस जरूर कर ली है। और फर्स्ट पार्ट के जो तीन पार्ट रह गए थे, अब आओ हम वो भी कर लेते हैं। एक फिफ्थ पार्ट था और एक सिक्स पार्ट था और एक एट पार्ट को बाद में कराते हैं। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है जी? 121 बी का स्क्वायर -88 BC +16 C². ठीक है, अब सिक्स पार्ट भी नोट कर लें क्या? सिक्स पार्ट इज, अच्छा ये मैंने तुम्हें सिक्स पार्ट ही करा दिया, आई एम सॉरी, ये तुम्हारा सिक्स पार्ट है। और फिफ्थ पार्ट तुम्हारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। 4x, ये तो बड़ा आसान है, 4x² -8x+4। ठीक है, तो पहले फिफ्थ पार्ट ही कर लें, आ जाओ। तो ये देखो कौन से, मैं तुम्हें क्या बताया था, इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिटी पता लगाना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। सेकेंडली उसमें ए और बी की वैल्यू को डिफाइन करना। ठीक है, तो माइनस है दैट मीन्स सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो अब हमें इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तो बना दो। एक्स स्क्वायर है, सिर्फ स्क्वायर एक्स का हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए? ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमें होल स्क्वायर चाहिए। तो ये स्क्वायर सिर्फ एक्स का है, तो फोर किसका स्क्वायर होता है? टू का। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, इसे तो इग्नोर करो, वैसे यहाँ पे 20² चाहिए, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर फिर। ठीक है, अब हमें इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं जी, 2x² माइनस +2² यहाँ पे मैं क्या चाहिए? a² - 2ab। तो अगर a की वैल्यू है 2x, तो 2x इंटू में b की वैल्यू है 2, तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 2 x, 8x, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं, अब तो लग जाएगी सीधा आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b² फिर हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 2, तो फिर अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके अब तो। 2x² - 2 × 2x × 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसको दो बार लिख दो, 2x - 2, 2x - 2, हैंस द क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। अब जैसे कर लेते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट पे थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ी हैं, बट कोई बात नहीं। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। ये लो 11b² -88 bc को तो इग्नोर करो, +16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4c². अब हमने देखा आइडेंटिटी कौन सी यूज होती है, माइनस का साइन है, दैट मीन्स इसमें भी सेकंड आइडेंटिटी यूज होनी है। अब ए और बी तो मिल गया, अब हमें बीच में क्या चाहिए? 2ab, मतलब क्या हो जाएगा ये? -2 × a, मतलब 11b, इंटू में बी, मतलब 4c। अब चेक कर लो, 4 × 2 = 8, 11 × 8 = 88, bc 88 bc, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा दो। यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² = a² - 2ab + b² अब हमें a और b की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो हेयर a = 11b एंड b = 4c, देयरफॉर 11b² - 2 × 11b × 4c + 4c² = 11b - 4c² दैट इज इक्वल टू 11b - 4c, 11b - 4c। खत्म क्वेश्चन। जब सेम नंबर का स्क्वायर होता है तो वो दो बार लिख जाता है। ठीक है, आई एम श्योर बड़ा आसान सा क्वेश्चन तुमने कर भी लिया है। अब हमें सिर्फ एक पार्ट करना है, जो किया क्वेश्चन नंबर सेकंड का एट पार्ट, तो बड़ा आसान सा है। अच्छा, इसमें 4 है पावर, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे कराता हूँ, टेंशन मत लो। इसको तुम्हें नोट करना है तो कर लो, मैं साफ कर। हाँ जी, तो हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। यस, क्या गड़बड़ है? इसमें मुझे रखा ए की पावर 4 और बी की पावर 4। अब हमने फोर्थ पावर में तो अब तक कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, हमने सिर्फ स्क्वायर की आइडेंटिटीज पढ़ी है, जहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद भी स्क्वायर और स्क्वायर बनता है, और हमें फोर्थ पावर पता ही नहीं कुछ होती भी है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, क्या करते हैं, क्या मैं ए की पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकता हूँ? 2 × 2 = 4 हो जाएगा ना, सिंपल। इसको करो इग्नोर,
अब बी की पावर फोर को मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर का स्क्वायर। आप तो समझ आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस में फर्क क्या है, यहाँ पर तुम्हारी ए की वैल्यू ए नहीं होगी, ए स्क्वायर हो जाएगी, बी की वैल्यू बी नहीं होगी, बी स्क्वायर हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा बस। आ जाओ, तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा लगाया हमने, ए, अच्छा प्लस है तो प्लस की लगेगी, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यू बता दो, हेयर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड नॉट ए, और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड नॉट b, बस देयर फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा मैंने ये तो करा ही नहीं, इसको देखो क्या कर सकते हैं हम, अब 2ab होता है ना, तो 2 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, बात नहीं बन जानी, 2a² बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नहीं करा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इस स्टेप में तुम स्किप कर सकते हो, सिर्फ इस क्वेश्चन में स्किप कर सकते हो, ठीक है। वैसे लिख देना तो बहुत बेटर है, कोई बुरा ही नहीं है। तो 2a² बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जहाँ पे हम ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू बी लेते थे, वहाँ पे ए की वैल्यू बस ए स्क्वायर हो जाएगी और बी की वैल्यू बी स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज इट। अब स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो फैक्टर बन गए। आई होप तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर रखा था, और क्वेश्चन नंबर 2 की भी तुम प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है, वो मेरे कर सकता हूँ मैं। बस जी आज की क्लास के लिए इतना ही, बारिश हो रही है बहुत तेज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज का पढ़ेंगे।